भारत पर्वों और उत्सव का देश है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार और उत्सव मनाया जाता है। इसी कड़ी में एक मेला गुजरात में भी लगता है। आज मन की बात कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो इस मेले को देखने जरूर जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज इस वीडियो में हम आपको गुजरात में लगने वाले इस माधवपुर मेले के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आपको ये इस मेले का आनंद उठाने के लिए गुजरात में कहां जाना होगा। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में लगता है। ये मेला भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी की याद में लगाया जाता है। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले का संबंध अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति से भी है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लोग इस मेले में हिस्सा लेते हैं। माधवपुर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की याद में माधव राय मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ मेले के दौरान अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के अलावा अन्य कई राज्यों के लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रदर्शन भी करते हैं। मणिपुर की मशहूर संगीत मंडली खुल्लोंग इशाई और नेट जीन यहाँ देवी रुक्मणी से संबंधित गीतों और नृत्यों को भी पेश करती रही है। रुक्मणी और भगवान कृष्ण से जुड़ी किंवदंतियों पर आधारित नृत्य और नाटिकाएं भी यहाँ कई दल पेश करते हैं। अरुणाचल की मिश्मी जनजाति के लोग खुद को पौराणिक राजा भीष्मक से जोड़ते हैं। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी यहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी। ये लोग अमर यात्रा त्योहार भी मनाते हैं और उनका मानना है कि रुक्मणी की वजह से ही ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जा पहुँचा। बता दें कि अरुणाचल की निचली दिबांग घाटी जिले के रोइंग के पास भीष्म नगर होने की बात कालिका पुराण में भी कही गई है। तो ये थी गुजरात में लगने वाले माधवपुर मेले से जुड़ी पूरी जानकारी। ऐसी ही तमाम जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।